भाई लोग भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक अच्छे ईयरबड की कमी थी। और आज हम यहाँ पे लेके आए बोट 131 प्रो। ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ऑलमोस्ट बोट की जो भी सीरीज है, बोट 141 से लेके बोट 121, बोट 131, मतलब इसका पिछला वर्जन बोट 161 वगैरह, बहुत सारे ईयरबड अभी तक हमने अनबॉक्स किए, ये सिर्फ मेरे हाथ से बचा था। तो आज भाई इसको खोलेंगे, देखेंगे इसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है। पहली चीज तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट मिलता है, उसके साथ ये टाइप सी चार्जिंग केबल, एंड ये जो है एयर कप्स आपको मिलते हैं, एंड ये आपको ढेर सारा यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह मिलता है, इसका कोई जरूरत नहीं। वारंटी कार्ड डाल देगा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भालू का अभी बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। काफी ज्यादा सिंपल सा ईयरबड है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉकेट साइज है, काफी ज्यादा छोटा है, आराम से पॉकेट में रख सकते हो, कभी चाहे वहां पे निकाल सकते हो। एंड इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि ग्लॉसी नहीं है, मैट कलर में आता है, तो उसकी वजह से होता क्या है, फिंगरप्रिंट जो आपके है वो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आते, मतलब आते हैं बट वो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते। तो जब भी आप देखोगे आपको एक क्लीन लुक पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। एंड ब्लैक तो भाई काफी मेरा पर्सनल फेवरेट है, काफी अच्छा लगता है। इवन जो है पीछे देखोगे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलता है जो कि एक बैटरी इंडिकेटर है, ऊपर जो है आपको बोट का यहाँ पे लोगो दिखाई देगा। अंदर से देखोगे तो ये ईयरबड्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे, काफी ज्यादा छोटे से, लाइट वेट है, जब भी आप कान में पहनोगे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि भाई कुछ तो अंदर चुभ रहा है, कुछ नहीं, एकदम हल्के, तो आपको एक वेटलेस वहां पे बहुत मस्त तरीके से आपको पूरा फील आएगा। एंड उसके साथ ये जो टिप आपको मिलती है ये काफी ज्यादा छोटे, एंड उसी में ही आपको एक छोटा सा सेंसर भी मिलता है जो कि एक टच सेंसर है, जहां से जो है आप सॉन्ग स्किप वगैरह आगे पीछे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ से डायरेक्टली कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, एंड इवन जो है ये मेरे कान में काफी अच्छी तरीके से फिट होता है, गिरेगा नहीं, कुछ नहीं, तो आप जिम में वगैरह यूज कर सकते हो, रनिंग के वक्त भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं आएगी। भाई लोग अभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। पहले तो इसमें आता है ब्लूटूथ 5.3, गजब, मतलब एकदम फास्टली जो है आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप इसको खोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर आपका ब्लूटूथ टर्न ऑन होगा 2 से 3 सेकंड में ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी। उसके साथ साथ IPX5 सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब जो नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस जो होते हैं ये आराम से जल लेगा, मतलब आपका स्वेट वगैरह जिम में वगैरह यूज करते हो तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसको पहन के आप नहाओगे बाल्टी से पानी लेके, वैसा नहीं करने का, बाकी ऑल द वे काफी ज्यादा बढ़िया है। अभी दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है म्यूजिक क्वालिटी। यहाँ पे जो है एक तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो जब भी आप कान में वगैरह इसको पहनोगे आप आराम से 3-4 घंटे 4-5 घंटे जो है मूवीज या फिर म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो, कोई आपको दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। एंड उसके साथ साथ एक चीज मुझे नोटिस हुई, बेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एक सूदिंग सा आपको बेस मिलता है, जब भी आप सुनोगे आपके कानों को वहां पे दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप हार्डकोर बेस लवर हो तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा बेस कम है, बट मुझे ऐसी ईयरबड्स अच्छे लगते हैं जो एक नॉर्मल से बेस के ऊपर चलते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो उसकी वजह से एक नॉर्मल लेवल पे बेस चलता रहता है, जिसके वजह से आपको एक अच्छा सेपरेशन मिलता है, एंड जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होते हैं उसके बीच में आपको एक फाइन लाइन मिलती है, एंड आप अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें भी सुन सकते हो। तो एक क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो भाई आपका एक्सपीरियंस एक नंबर होगा, मूवीज वगैरह देखोगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली अगर आप म्यूजिक पसंद करते हो तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड उसके साथ साथ अगर हार्डकोर बेस लोअर हो तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे वहां पे लग सकता है। अभी मैंने तो मेरा म्यूजिक एक्सपीरियंस बताया, अभी जो है मेरे फ्रेंड को भी पूछते हैं, समझ रहे हो कि भाई ये एक्चुअली उसको कैसा लगा। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह भाई ये यूज करके देख ली जरा, तुझे कैसा लगता है देख, सॉन्ग चालू कर दो मैं एक मिनट। रुक रुक बीट कैसा लग रहा है? दूसरा लग अच्छा। अरे बता जल्दी। अच्छा है, अच्छा है, सीरियसली अच्छा है। तो कभी रैप सॉन्ग भी सुन के देख, इस पे अच्छा लगेगा। बीट्स के साथ है? बीट्स अच्छे हैं, बहुत हार्ड नहीं है लेकिन कानों के लिए मतलब उतना अच्छा रहता है ना। बेस छोड़ा था मैंने।
इरिटेटिंग थोड़ा, मतलब इचिंग नहीं होता। दोस्तों इसमें और एक खास बात है कि आपको वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब जैसे हम गूगल असिस्टेंट एंड सीरी वगैरह यूज करते हैं, सिर्फ एक ही दिक्कत है कि डायरेक्टली बोल के आप यहाँ पे कौन सा भी असिस्टेंट टर्न ऑन नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोलते हैं हे गूगल, सॉरी ओके गूगल, या फिर हे सीरी करके, तो डायरेक्टली वो टर्न ऑन नहीं होता। यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना पड़ता है 3 सेकंड के लिए, फिर एक पॉपअप ओपन होता है, यहाँ पे हो चुका है। हे गूगल, व्हाट आर डूइंग मीन, थोड़ा सा गलत हो गया। फिलहाल तो ये वाला फीचर तो मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बट फिर भी है तो आप यूज कर सकते। अभी भाई लोग बात करते हैं यहाँ पे बीस्ट मोड के बारे में। एक एक्स्ट्रा का मोड आ जाता है जो कि है बीस्ट मोड, मतलब जो लोग गेम वगैरह खेलते हैं उनके लिए ये बीस्ट मोड है। मैंने वो भी टर्न ऑन करके यहाँ पे गेम खेल रखी है, तो मुझे एक चीज समझ में आई, डेफिनेटली लेटेंसी बहुत कम हो जाती है, बट इतनी भी कम नहीं हो जाती कि मतलब आपको वो नोटिस ही नहीं होगी। आपको थोड़ा सा नोटिस होगा क्योंकि यार गेमिंग ईयरबड नहीं है ये प्रॉपरली, एक आपको नॉर्मल सा ईयरबड मिलता है, बट फिर भी आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको डेफिनेटली एक बेटर रिस्पॉन्स तो मिलेगा, यहाँ पे गेमिंग वगैरह मस्त तरीके से खेल सकते हो। एंड एक चीज़ बता दो, सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ऑडियो का, उसकी वजह से जो भी फुटस्टेप्स होंगे जिस भी साइड से होंगे आपको अच्छी तरीके से सुनाई देते, तो भाई पेल सकते हो किसी को भी। भाई लोग मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। ये जो ईयरबड है लगभग आपको अभी फिलहाल तो 1200 के आसपास कुछ तो मिल जाएगा, ऊपर नीचे आपको दिखाया जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। बट डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया आपको ये पूरा जो है ईयरबड मिलता है, बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, उसके वजह से जो है आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड इवन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कहीं पर भी लेके जा सकते हो, पोर्टेबल भी है, तो उसके वजह से जो है ऑन द गो आप यूज़ कर पाओगे, लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो इसको परचेस कर सकते हो। अभी बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी जो है इसमें लगभग आपको एक बार चार्ज करोगे तो हर एक ईयरबड जो है आपको 11 आवर्स का जो है बैटरी बैकअप प्रोवाइड करके दे सकता है। एंड टोटल केस के साथ अगर आप कंसीडर करोगे तो 44 आवर्स का बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक आपके लिए बेस्ट चीज़ ये हो सकती है। और उसके ऊपर आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, 5 मिनट अगर आप इसको चार्ज करोगे तो ये लगभग आपको 50 मिनट का वहाँ पे प्ले टाइम प्रोवाइड करके दे सकता है। तो ऑन द गो चार्ज करने का और यूज करने का मस्त तरीके से मजा आया। तो फिर से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, हम जो है वहाँ पे रील्स वगैरह डालते रहते हैं जो कि टेक के रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स भी डालना हमने स्टार्ट किया है, तो आप जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उसके वजह से हमको भी सपोर्ट मिलेगा। तो मिलता है इस बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।